पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अचानक गायब हो गए हैं। देश लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब इन सभी के बीच भारत ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भारत ने पाकिस्तान की सीमा के पास एक धमाकेदार परीक्षण किया है। भारत ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा किए गए इस सफल परीक्षण के बाद पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और भी घातक हो गया है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत की सुरक्षा के लिए दिक्कतें खड़ी करते रहते हैं, लेकिन पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नया वर्जन दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देगा। आपको बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम हर मौसम और परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। मिसाइल हो या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, भारत लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि पिनाका सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता रखता है। इस सिस्टम की मारक क्षमता 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। आपको याद दिला दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी और अब यही रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कई गुना घातक हो गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल सबसे पहले बहुत कामयाबी के साथ करगिल युद्ध के दौरान हुआ था, जहां पर तोलोलिंग पहाड़ी पर हमले के लिए बोफोर्स तोपों के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी काम में लाया गया था। लेकिन उस समय पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज कम थी। एडवांस पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार करते हैं। इनका वार अचूक होता है। रॉकेट लॉन्चर की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उसको किसी तोप के मुकाबले बहुत आसानी से और बहुत तेजी से मुश्किल रास्तों में और मुश्किल से मुश्किल मोर्चों तक पहुंचाया जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर एक साथ बड़ा हमला कर सकते हैं। जहां तोप को दूसरा राउंड लोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, वहीं रॉकेट लॉन्चर एक बार में ही अपनी पूरी की पूरी ट्यूब, जो कि 12 रॉकेट्स की होती है, खाली कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स की रेंज भी आर्टिलरी गन से ज्यादा होती है, इसलिए चाहे लंबी दूरी तक मार करना हो, ज्यादा बर्बादी फैलानी हो या मुश्किल से मुश्किल जगहों तक बहुत कम वक्त में जाना हो, रॉकेट लॉन्चर किसी आर्टिलरी गन के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। रक्षा मंत्रालय ने 2020 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को और ज्यादा डेवलप करने के लिए बड़ी रकम दी है। पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर्स भारत में ही बने हुए हैं और उनका गोला बारूद भी भारत में ही बनता है।